सर जो ड्राइवर्स ओवर लोडिंग करके चलते हैं, आज भी एक हादसा पेश आया जिसमें 8 जाने जो हैं गई, इस हवाले से आप क्या कहेंगे? सबसे पहले मैं बहुत ही अफसोस है, ये थाना जो हुआ आज बहुत ही बड़ा फैटल एक्सीडेंट है। और आपको पता ही है कि हम लोग टाइम एंड अगेन थ्रू हमारे अवेयरनेस प्रोग्राम में भी यही बोलते हैं कि एक जीरो टॉलरेंस हमने रखा था कि जो हम लोग ओवरलोडिंग के ऊपर करेंगे, और इनफैक्ट काफ़ी हद तक हम लोग कामयाबी हुए हैं। और ये जो एरिया है कम से कम कोई 12-13 किलोमीटर एक लिंक रोड ही है और वेरी कंजेस्टेड रोड है और वन वे के लिए भी है, तो मेरे को लगता है कि जो ओवरलोडिंग का सबब ही इसका एक फैटलिटी का एक सबब बना और इसका एक्सीडेंट का सबब बना। और मेरी जितने भी ड्राइवर हजरात हैं, चाहे वो फोर व्हीलर्स के हैं या फिर बड़े ट्रकर्स हैं या फिर जो बड़ी गाड़ियां चलाते हैं, वो इसके जो एक जीरो टॉलरेंस जो रखा है हम लोगों ने इस पे ओवरलोडिंग पे, वो इसके हमारे साथ कॉपरेट करेंगे। और आने वाले दिनों में भी ये लोग, एक तो हम लोग इनका DL कैंसिलेशन का और जो RC का जो है, क्योंकि हम लोग देखेंगे एक से ज्यादा अगर 2 के करीब इनके चलान हुए हैं, तो इनफैक्ट आई हैव टोल्ड माय ऑफिसर्स कि ये लोग बिल्कुल स्ट्रिक्टनेस दिखाएंगे और स्ट्रिक्टली बिहेव करेंगे, सो दैट ये आने वाले दिनों में ये जो हादसा हो रहे हैं यहाँ पे, इसको कटेलमेंट लाएंगे और इसको खत्म करने की कोशिश करेंगे। ये आपके माध्यम से, आपके मीडियम से मेरी एक रिक्वेस्ट भी रहेगी और मेरी एडवाइस भी रहेगी, जितने भी यहाँ पे मालकान हैं, यहाँ पे जो गाड़ियों के हैं या फिर ड्राइवर खुद हैं या फिर जो भी पैसेंजर यहाँ पे अपने कोई भी अपनी गाड़ी ओन करता है, दे हैव टू बी वेरी स्ट्रिक्ट। और वो स्पीड का लिमिट जो है उसका भी एक ध्यान रखेंगे और डिसिप्लिन में चलेंगे, और प्लस ओवरलोडिंग को कतई तौर पे वो कटेल करेंगे। थैंक यू।